वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल टाइटल दोनों अच्छे से देखा कि आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव एंड मेन पर्पस क्या है, एक बार फिर आप सभी को बता देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम ढोलक पे दुगुन ताल में बजने वाले तीन जबरदस्त पावरफुल और शानदार पिकअप बजाना सीखेंगे, जिससे आप लाइव प्रोग्राम लाइव जागरण में जो है चार चांद लगा सकते हैं। इनको अगर आपने सीखा तो पब्लिक आपकी जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी और पब्लिक बोले कि वाह क्या कारीगरी है। साथ ही साथ जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ आप जो है चार चांद लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्किप या फॉरवर्ड ना करें, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इस वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड करेंगे देन आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को और क्या सिखाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को फर्स्ट वाला पिकअप बता देता हूँ और ये पिकअप दोस्तों इतना मस्त और पावरफुल पिकअप है कि पब्लिक आपकी ओर अट्रैक्ट होगी और आपके लिए जो बहुत सारी जो ताले बजाएंगे वाह क्या पिकअप ले किया है। तो इसके बोल कुछ इस तरह से है, धातृगतक त्रिगड़ता दिधिनता, धातृगतक त्रिगड़ता दिधिनता, धातृगतक त्रिगड़ता दिधिनता। स्लोली बताता हूँ, धा तेरे के टितक तेरे के टिता दिधिनता, धा तेरे के टितक तेरे के टिता दिधिनता, धा तेरे के टितक तेरे के टिता दिधिनता, धा तेरे के टितक तेरे के टिता दिधिनता। दोस्तों सबसे पहले अब इसे दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाला सेक्शन होगा हमारा धा तेरे के टितक तेरे किट एंड सेकंड सेक्शन ता दिधिनता। एक बार फिर आपसे स्टार्टिंग वाला सेक्शन बताता हूँ, धा तेरे के टितक तेरे किट, सेकेंड सेक्शन ता दिधिनता। कुछ इस तरह से इसे प्ले करना है आपने। स्टोरी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारा स्टार्टिंग वाला बोल है धा, धा में क्या करना है आपने, ढोलक का जो हमारा मदीन साइड में आपने जो है यहाँ पे जो है किनार पे ताप प्ले करना है इस तरह से, और ढोलक के बेस में आपने जो है ओपन प्ले करना है, ठीक है। इसका बनता है हमारा धा, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ धा। उसके बाद है तेरे किट तक तेरे किट, तेरे किट तक तेरे किट। तिरकिट में क्या है दोस्तों, आपने जितने भी हमारे तिरकिट वाले बोले उन्हें आपने जो सॉफ्टली अंदर के लिए प्ले करना है, कुछ इस तरह से ती र की ता ता का ती र की ता। दोस्तों तिरकिट की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आई होप आपने उन वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो मैं आप सभी को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप आई बटन में शो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप देखें धा ती र की ता ता का ती र की ता। धा तेरे के तक तेरे किट, ये हमारा स्टार्टिंग वाला सेक्शन है, धा तेरे किट तक तेरे किट, ठीक है। ढोलक के बेस के भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे किट। जितना प्रेशर दोस्तों आप ढोलक के मदीन साइड में देते हैं उतना ही आगे ढोलक के बेस में देना है, ठीक है। धा तेरे किट तक तेरे, उसके बाद है सेकंड सेक्शन, आपने कुछ इस तरह से प्ले करना है ता दिधिनता, ता दिधिनता। स्टार्टिंग वाला जो ता है उसमें आपने जो इस तरह से प्ले करना है ता, ढोलक के बेस में आपने जो स्लैप देना है इस तरह से आपने स्लैप देना है, ठीक है। ता दिधिनता, यहां पे ढोलक के बेस का मैं आपको यहां पे बताता हूं, ता क्लोज बेस दिधिन, दिधिन में क्या करना है आपने ढोलक के बेस को जो ओपन प्ले करना है, दिधिन ता ता दिधिन ता ता दिधिन ता, इस तरह से प्ले करना है। स्टार्टिंग से चलते हैं
सेकेंड सेक्शन ता दिधिन्ता धा तेरे की टिता के तेरे की टिता दिधिन्ता धा तेरे की टिता के तेरे की टिता दिधिन्ता। जब दोस्तों आपके हाथों में परफेक्टली अच्छे से आ जाए तो आप इस स्पीड को जो मैक्सिमम रख सकते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट वाला था, अब मैं आपको सेकंड वाला पिकअप ढोलक पर बजाना सिखाऊंगा। इस पिकअप को आप वेरिएशन के तौर पे ले सकते हैं। और मैं आप सभी को बता देता हूँ जो हमारा आज का ये वाला पिकअप है सबसे इफेक्टिव और पब्लिक को अट्रैक्ट करने का एक नंबर वन स्रोत है हमारे पास दुगुन ताल में। क्योंकि जब आप इस पिकअप को वेरिएशन के तौर पर किसी गाने में लगाएंगे, साथ में आप जो है लाइव प्रोग्राम कर रहे हो किसी बड़े स्टेज पर, तो पब्लिक आपकी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित होगी। क्योंकि ये एक यूनिक सा हमारी वेरिएशन बनती है, फिलर बनता है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पिकअप को आप जरूर जो है लाइव प्रोग्राम में बजाने की कोशिश करें। मैं आपको छोटा सा डेमोस्ट्रेट करके बताऊँगा वेरिएशन के तौर पर। वेरिएशन के बोल कुछ इस तरह से हैं ताकि टिता के टितक ताकि टिता के टितक ताकि टिता के टितक ताकि टिता के टितक। बोल दोस्तों उसके बिल्कुल ही सिंपल है, पर इसे सीखना और इसकी जो टेक्निक है ढोलक पे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी हमारी। लाइव प्रोग्राम में मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ अगर आपने इसे प्ले किया तो पब्लिक आपकी जो 100% आकर्षित होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वेरिएशन इस पिकअप को आपने कुछ इस तरह से प्ले करना है ताकि टिता के टितक में क्या करना है आपने ढोलक पर जो थक्की लेनी है कुछ इस तरह से। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं थक्की आपने कुछ इस तरह से प्ले करनी है, इस तरह से कुछ इस तरह से प्ले करना है। स्लोली मैं आपको बताता हूं ता की ता ता की ता ता का ता की ता इस तरह से आपने इसे प्ले करना है। स्टार्टिंग के डे में दोस्तों जब भी आप किसी पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आप सभी को हर वीडियो में बताता हूं कि आप अपनी स्पीड को स्लो करने की कोशिश करें कुछ इस तरह से धीरे धीरे। क्या होता है कि जब आपके हाथों में पैटर्न अच्छे से आने लगता है तो आप अपनी स्पीड को जो इंक्रीज कर सकते हैं ताकि 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 ताकि। दोस्तों जब आपके हाथों में परफेक्टली ये पैटर्न अच्छे से आ जाए तो आप इसकी स्पीड जो मैक्सिमम रख सकते हैं कुछ इस तरह से। सेकंड पिकअप था, अब मैं आपको थर्ड नंबर वाला ढोलक पे बजाना सिखाऊंगा। इस पिकअप को आप कटअप भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको गाने के बीच में जो प्ले किया जाता है, जैसे कि हमारा स्टार्ट गाना चला हुआ है तो एक ब्रेक देने के लिए और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस पिकअप को प्ले किया जाता है। आपने जो मास्टर सलीम जी के भजन सुने होंगे जब वे लाइव प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं कहीं पर भी स्टेज पर, तो जो उनके साथ जो बैकग्राउंड जो म्यूजिशियन होते हैं ढोल वाला तबले वाला ढोलक वाला कोई भी हो, ठीक है, तो वे इस कटअप को जो है हर प्रोग्राम में दुगुन ताल में प्ले करते हैं। अगर आपने जो है अभी तक आप मास्टर सलीम जी के भजन नहीं सुने तो आपने उनके भजन सुनने हैं, उस पर आपने देखने की दोस्तों कि कौन से गाने में जो प्ले किया जाता है। गाने का नाम तो एक्चुअली मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। फास्ट दुगुन में आप इसे कहीं पर भी प्ले कर सकते हैं। स्पेशली दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं पूछते हैं कि इस टाइप का पिकअप
किस तरह से प्ले किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए भी स्पीकर को अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाऊं और आपको सिखाऊं कि किस तरह से जो इसे लाइव प्रोग्राम में जो प्ले किया जाता है। ओके सो इसके बोर्ड कुछ इस तरह से है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। जैसे कि हमारी दुगुन ताल चली है, कुछ इस तरह से है, कृतक तिधा धा धा, कृतक तिधा धा धा, कृतक तिधा धा धा, तीन बार आपने इसे प्ले करना है। कुछ इस तरह से की टा 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 टी धा धा धा। मैं आपको ढोलक के बेस का यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि की टा 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 टी धा धा धा, ई टा 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 ई धा धा धा। इसे आपने तीन बार दोस्तों ढोलक पे प्ले करना है। एक बार मैं आपको लास्ट में स्लोली से प्ले करके बताता हूँ कि टा 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 ई धा धा धा। इस तरह से आपने इसे प्ले करना है। और स्टार्टिंग के डे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपने टेम्पो को स्लो रखना है, कुछ इस तरह से किटे तक ती धा धा धा, किटे तक ती धा धा धा, किटे तक ती धा धा धा, किटे तक ती धा धा धा। और दोस्तों जब आपके हाथों में परफेक्टली आ जाए तो आप इसकी स्पीड जो मैक्सिमम रख सकते हैं कुछ इस तरह से। हमारी आज की वीडियो थी, आई होप आपने इस वीडियो को जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखा होगा और वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके दोस्तों मुझे आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि फ्यूचर में आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कॉमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आऊंगा। ओके और साथ ही साथ आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आप सभी के लिए फ्यूचर में वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।